खटके लिया मैच भंगड़ा तसदा जे नचे बत्रा क्लासिस दा बैच बारी वर्षी खटन गया सी की खटके लिया खटके लिया पोपर भंगड़ा तसदा जे नचे सारे टोपर तो ये खुशी है रिजल्ट की, नतीजों की, जो आ चुके हैं CBSE प्लस टू के। और आज हम पहुंचे हैं बत्रा बिजनेस क्लासेस, जो करनाल में जरनैली कॉलोनी में प्रताप पब्लिक स्कूल के ठीक सामने हैं। और ये वो तमाम बच्चे हैं जो CBSE प्लस टू में बेहतरीन अंक लेकर आए हैं। यहाँ पर बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, जो कॉमर्स के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं। और 99 मार्क्स यहाँ पर हाईएस्ट रहे हैं। सभी बच्चों से हम बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं CBSE प्लस टू के नतीजे आए हैं, उसकी खुशी है, उसकी एक उत्साह है कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स पिछले एक साल से कड़ी मशक्कत कर रहे थे, कड़ी पढ़ाई कर रहे थे, और कि बेहतरीन रिजल्ट आया है बत्रा बिजनेस क्लासेस पर, जो करनाल में जरनैली कॉलोनी के अंदर प्रताप पब्लिक स्कूल के ठीक सामने है। नीता बत्रा मैम, जो हमेशा बच्चों को पढ़ाई भी करवाते हैं और साथ ही साथ जिंदगी में क्या कुछ जरूरी है वो बातें भी यहाँ पर सिखाई जाती हैं। बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट हैं जो कॉमर्स के अंदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, और ये दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। और पिछले कई सालों से लगातार हम बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को जान रहे हैं, उनके रिजल्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज खुश हैं। कुछ बच्चों से हम बात करेंगे कि उनका ये बेहतरीन रिजल्ट कैसे आया, कितनी उन्होंने पढ़ाई की, और इसमें बत्रा बिजनेस क्लासेस का क्या रोल है। शुभ नाम आपका, और कैसा रहा आपका रिजल्ट? मेरा स्कोर 91 था आउट ऑफ 100, एंड मैम की सुपरविजन की वजह से मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था एज़ कम्पेयर टू मेरा पहला वाला परफॉर्मेंस। मैम परफेक्ट ब्लेंड रखती हैं हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क का। इट वॉज़ अ ग्रेट जर्नी, थैंक यू। जिंदगी का आगे का क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है, और क्या एम है? मेरे को BCom करना है आगे जाकर। CUET की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं अभी, और मैम उसमें भी काफ़ी हेल्प कर रही हैं मॉक टेस्ट एंड वगैरह चीज़ों में, एंड आई थिंक दैट मैम की वजह से मेरे अंदर काफ़ी डिटर्मिनेशन आया है कि मैं कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई कर सकती। ज़रूरी हो जाता है जब एक टीचर ना सिर्फ एग्ज़ाम तक बच्चों का ध्यान रखता है बल्कि उसके बाद भी ध्यान रखता है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में DU के लिए एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों का। कैसा रहा आपका रिजल्ट, और कुछ बताएं यहाँ के अनुभव के बारे में? आई स्कोर्ड 93 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज़, एंड मैम ने हमें हमेशा बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया है कि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, बट शी इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट विद इट एज़ वेल। मतलब शी कीप्स अ गुड बैलेंस बिटवीन द इन्जॉयमेंट एंड द studies, so it's been a great experience with her, and I would do it all over again, seriously. आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ मस्ती भी हुई है। 99 मार्क्स, 100 में से 99 अंक यहाँ पर सबसे ज्यादा आए हैं, जिसमें तीन बच्चे पास हो सकते हैं, लेकिन वो अकेला यहाँ पर बेस्ट आए हैं उसके मार्क्स। उससे एक बार जान लेते हैं आपका शुभ नाम और क्या कुछ कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस यहाँ का बताएं, और जिंदगी में आगे क्या करना है? माई नेम इज शिवांश गर्ग, एंड आई हैव गॉट सेकंड रैंक इन माई स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल करनाल। आई हैव सिक्योर्ड 99 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मीता बत्रा मैम। मैम ने हमें तीन तीन घंटे के टेस्ट में पाँच घंटे बिठा के टेस्ट दिया है। रात को 11 बजे तक हमने टेस्ट की प्रिपरेशन करी है सारा पेपर, और मैम हमें इतना कराते थे, इतना ज़्यादा लेवल पे करा देते थे कि वो जो बोर्ड में हमें आया एग्ज़ाम में वो हमें इतना ईजी लगा कि हम इतने मार्क्स लागे।
क्या कुछ कहेंगे, आपका रिजल्ट कैसा रहा? I got 95 marks in business studies and 96% overall. I am all thankful to Meeta ma'am because she helped me all throughout, not only in business but in also other subjects. She always encouraged me to look at overall performance instead of just subject performance and look at life at a better angle. कि मतलब future के बारे में सोच के चलो. हमेशा वो कहते थे जितने भी Olympiads competitions आते थे, हमेशा encourage करते थे कि इनमें participate करो, ये CBSE में काम आए ना आए लेकिन आगे future में बहुत beneficial रहेगा. तो आगे क्या करना है ज़िंदगी के अंदर? I am going to USA for my undergrad. तो उम्मीद करते हैं ये बच्चे अब ज़िंदगी में आगे जाएंगे, एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे. मीता बत्रा मैम हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं. तमाम बच्चों को लंबे समय से वो पढ़ा रहे हैं, एक लंबा अनुभव उनका हम कहेंगे टीचिंग लाइन में है. मैम हर साल हम यहाँ पर आते हैं, बच्चों का बेहतरीन रिज़ल्ट आता है. कुछ बताएँ इस बैच के बारे में. और अब ये बच्चे भी जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन इनके उज्जवल भविष्य की आप भी कामना करते हैं. दिस इज़ ट्रू कि इनके लिए सच में बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और जब ये ज़्यादा चले जाते हैं तो दुख भी होता है. यू कैन गेट इमोशनली अटैच बिकॉज आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल, लेकिन इनके साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है तो लगता है कि ये मेरा बच्चा, मुझे इसके फ्यूचर के लिए सोचना है, मुझे इसके लिए देखना है कि क्या करना है. एंड ऑल द टाइम जब मुझे 10-11 बजे मुझे पता नहीं चलता कि 10 हैं 11 हैं रात के 12 हैं, सिर्फ इसलिए कि बस इनके मार्क्स हैं. And this is not for the promotion. It's only for the sake कि मेरा बच्चा जब आए तो with a smiling face आए कि हाँ I am very happy ma'am, मेरे इतने परसेंट आए हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, I am very happy with it. इसीलिए मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शुरू से इसी पॉइंट पर आए कि बच्चा एक उनको कंसेप्ट क्लैरिटी विद द एग्जांपल्स उनके दिमाग में एक बात बिठाना. आज इनमें से मेरे ख्याल से कितने ही लोग मुझे आज बच्चे कहते हैं कि मैम CUET के लिए हमारे को कुछ लग ही नहीं रहा कि हमें करना है. दे आर वेरी ईजी विद द सब्जेक्ट क्योंकि दे आर वेरी ईजी, मतलब उनको कंसेप्ट क्लैरिटी कम्प्लीट है. तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ है. और जो बच्चे जिनके मार्क्स नहीं आए, आई हैव रीड आज टुडे आई हैव रेड समवेयर कि कुछ बच्चे दे हैव कमिटेड सुसाइड. इट्स अ मैसेज फॉर यहाँ दुनिया ख़त्म नहीं होती. ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इनकरेज करने का एक रास्ता है, बच्चों को एक स्पेशल फील कराने का एक रास्ता है. दैट डजंट मीन. और दूसरी फीलिंग मुझे कब आई, जब मेरा एक बच्चा उसने मुझे कॉल करके पूछा क्या मैम मैं आ सकता हूँ, क्योंकि जब उसके लिए ही गॉट ओनली इन 85 तो उसने मैं आ सकता हूँ. ये इट्स अ नॉट अ प्रमोशनल थिंग. यहाँ पे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि मेरा हर बच्चा मेरे लिए उतना ही स्पेशल है. उस 85 वाले ने भी उतने ही एफर्ट्स डाले हैं, उनके पेरेंट्स ने भी उतने ही एफर्ट्स डाले हैं जितना मैंने डाले हैं या मैंने किया. ज़िंदगी में ये एक अच्छे इंसान बने, कुछ करके दिखाएं, उसके लिए किस तरीके से आप इनको एक लेसन देना चाहेंगे? ये टीचिंग जॉब जो है इट्स सिर्फ इसके लिए है, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग नहीं है. व्हेन यू एंटर द जॉब ऑफ टीचिंग तो तुम्हें गुरु बनना है, और जब हम गुरु होते हैं तो हमें बेस्ट करना है बच्चों के लिए. और वही मेरा है कि बस ये लोग लाइफ में बहुत अच्छे बने, जब इन फ्यूचर में मिले तो मुझे लगा बहुत खुशी होती है. कुछ बच्चे कहते हैं हमने ऐसे SRCC क्रॉ में कर लिया, कुछ ने अभी मेरा एक वन ऑफ द स्टूडेंट वो BMS करके इतना, मतलब उसने इतना हार्डवर्क कर लिया गौरव BMS में, एंड उसके बाद जो वो प्राइजेस जीत रहा है, मतलब दीज ऑल द थिंग जो मुझे इमोशनली मुझे बहुत खुश करता है कि हाँ मॉनेटरी टर्म्स है, ब्रेड होती है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जो इनके साथ रहने की खुशी होती है ना वो कहीं नहीं होती. जब मैं इनके साथ रहती हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता. सबसे ज़्यादा फॉरगेट में मेरी फैमिली मुझे मैटर्स कुछ याद ही रहता, सिर्फ याद रहता है ये बच्चे. दैट्स इट. सबसे ज़्यादा मेहनत भी टीचर करता है, सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो एक टीचर को ही होती है, क्योंकि वो एक लंबा प्रयास करता है, एक मेहनत करता है. और सबसे अच्छी बात जो मैम ने कही वो ये कि ज़िंदगी आपकी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, एक रिज़ल्ट आपकी ज़िंदगी के मायने बदल नहीं देता है. आपको अभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना है, अभी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, वहाँ पर आप कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए और वहाँ पर आप ज़िंदगी की जो चुनौतियां हैं उनको पार करते हुए चले जाएंगे. आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ. साल भर की ज़ोरदार मेहनत और उसके बाद धमाकेदार रिजल्ट लेकर आ गया है बत्रा बिजनेस क्लासेस. चाहे बात बिजनेस की जाए, चाहे बात इकोनॉमिक्स की जाए, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सिक्योर किए हैं 90 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर. और साथ ही साथ मैं बच्चों का मतलब एक्साइटमेंट देख पा रही हूँ किस तरीके से मैम कैसे जो है बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ नज़र आ रही. केक कटिंग यहाँ पर की जा रही है, ढोल यहाँ पर पहुँचे और बच्चे बहुत खुश हैं. आप मेरे पीछे खिलखिलाते हुए चेहरे देख सकते हैं.
मोमेंटोस बांटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, जश्न का माहौल है इस वक्त यहाँ पे, और कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगी। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी रिजल्ट के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगी, आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है बत्रा बिजनेस क्लासेस के साथ? माई सेल्फ यामिनी चौहान, आई हैव स्कोर 91 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज़। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मैम। मैम ने दिन रात हमारे साथ बहुत मेहनत करी है। लास्ट एंड टाइम पे मैम ने हमारे साथ 5-5 आवर्स के सैम्पल पेपर डिस्कस किए हैं। इट बिकॉज ऑफ मैम आज मैं यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस मच एफर्ट्स। तो मतलब मार्क्स तो अच्छे आए ही हैं, मतलब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो मैक्सिमम बच्चे रहे हैं सबने 90% अबव स्कोर किया है दोनों सब्जेक्ट्स में, कॉमर्स के सबसे मेन सब्जेक्ट्स, और मुझे लगता है इनमें स्कोर करना सबसे मुश्किल होता है जिनमें इन्होंने बहुत लाजवाब स्कोरिंग किया। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। और एक और चीज़, मतलब जो मैं बातचीत सुन पा रही हूँ मैम की तरफ से, बच्चों की तरफ से, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो छोटे भाई बहन होने वाले हैं, जो फ्रेंड्स होने वाले हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? माई सेल्फ भूमिका, आई स्कोर 95 इन बिजनेस स्टडीज़ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक नीता मैम फॉर दिस। शी ऑलवेज यूज टू सपोर्ट मी एंड गाइड मी। इवन मैम रात के 11-11 बजे तक हमें बुलाते थे। एग्ज़ाम वाले दिन मेरे को डाउट था एंड शी इवन कॉल्ड मी एट 6 AM इन द मॉर्निंग। कोई भी इतनी टेंशन नहीं लेता एग्ज़ाम की जितनी नीता मैम लेती है। इट वॉज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर। हाँ, मुझे लगता है कि अगर बात मीता बत्रा मैम की जाए तो उन्होंने वाकई एक माँ की तरह अपने सारे स्टूडेंट्स को जो है रखा है, पूरे 2 साल की जो मेहनत रही है, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉल्स हो या फिर लेट नाइट पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना हो, वो सब कुछ रहा है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आपके छोटे भाई बहन है कॉमर्स ऑप्ट करने का सोच रहे होंगे, उनके लिए ये एक मुझे लगता है कि बहुत ही लाजवाब ऑप्शन करनाल में है। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्या बताएंगे? I scored 90 marks in business studies and all the credit goes to Meeta Batra ma'am. I would highly recommend ma'am as for the best preparations for the upcoming 11th and 12th students who are now promoted. For the best preparation in economics and business studies, they should join Meeta ma'am and all the real preparation goes there. Thank you. और भी बच्चे हमारे साथ, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, एक मैसेज जनता को क्या कुछ देना चाहेंगे बत्रा बिजनेस क्लासेस के बारे में? Myself Dhruv, I have scored first rank in Delhi Public School Karnal. मतलब मैम ने जो हमारे साथ मेहनत करी है वो मैं बता नहीं सकता। मैम ने सुबह 5 बजे भी हमें बुलाया है पेपर से पहले और बहुत मेहनत करी है मैम ने। आई हैव स्कोर 98 इन BST। मैम ने मतलब बहुत मेहनत करी है, हम कैसे थैंक्स करें मैम को? बिल्कुल, मतलब बच्चों के पास वर्ड्स कम पड़ गए हैं लेकिन शुक्रिया करते नहीं रुक रहे हैं वो, और कितने खुश हैं। और मतलब रिजल्ट वाले दिन यूजुअली बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ खुशी देख पा रही हूँ, एक लाइट सा माहौल देख पा रही हूँ, इन्जॉयमेंट जश्न का माहौल है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस मैम रखती हैं, पिछले 9-10 साल से मैम इसी फील्ड में है और साल दर साल जो कॉमर्स के टॉपर्स निकल रहे हैं करनाल के बड़े बड़े स्कूल से वो कहीं ना कहीं बत्रा बिजनेस क्लासेस देता आया है। तो अगर आप लोग भी कॉमर्स ऑप्ट करने का सोच रहे हैं तो एक बेहतरीन ऑप्शन आप सबके सामने आ चुका है जो रिजल्ट भी देता है। सिर्फ रिजल्ट पर फोकस नहीं करते, अपने बच्चों को माँ की तरह प्यार देना, उनकी ओवरऑल ग्रोथ जो है उसके ऊपर ध्यान देना, उनकी स्किल्स जो है उसे बेहतरीन तरीके से इनकलकेट करना, वो सब चीज़ें यहाँ पे होती है। तो मतलब अगर आपका बच्चा कॉमर्स में तो अच्छा एक्सेल करने वाला है, लाइफ में भी अच्छा एक्सेल करना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान भी बनना चाहते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जर्नैली कॉलोनी में आपको ऑपोजिट प्रताप पब्लिक स्कूल मिल जाएगा। बत्रा बिजनेस क्लासेस बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लिए पहली पसंद हो सकती है।